रायसेन जिले के गैरतगंज और ओबेदुल्लागंज में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने सीएम राइज स्कूल का भूमि पूजन किया है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं, आगे चलकर यही देश प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेंगे। उन्होंने कहा कि सीएम राइज स्कूलों में शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक क्रांति आएगी। मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि पहले चरण में जिले के 3 स्कूलों के लिए रायसेन सहित गैरतगंज और ओबेदुल्लागंज में भूमि पूजन किया गया है। इनमें 2 स्कूल सांची विधानसभा क्षेत्र में है। उन्होंने कहा कि जिले में बच्चों को शासकीय स्कूलों से बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। सीएम स्कूल राइस में स्मार्ट माध्यम से शिक्षा दी जाएगी और आधुनिक प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय की सुविधा के साथ कला संगीत, खेलकूद और व्यावसायिक शिक्षा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, तो उन्होंने इतनी बड़ी, आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि सिर्फ 69 स्कूल में 2500 करोड़ से ज्यादा की लागत आ रही है। एक स्कूल जब 40 करोड़ का बनकर तैयार होगा, आप अंदाज लगाइए, सामने नक्शा लगा हुआ है स्कूल का, किस तरीके से बनेगा। अभी प्राचार्य महोदय जो है वो बहुत दुर्बल हो, आने वाली पीढ़ी यहाँ से बहुत कुछ सीख करके जाएगी। यहाँ खेल कूद की सारी व्यवस्थाएं रहेंगी इस स्कूल में, और ये तकरीबन 38 करोड़ रुपए का यहाँ पर स्कूल का आज भूमि पूजन हो रहा है। बहुत बड़ी रकम आज अपने को रायसेन को मिली है, बहुत बड़ी सौगात है सीएम साहब की तरफ से।